नीट एग्जामिनेशन, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन फॉर द मेडिकल कॉलेजेस। व्हाट इज द नीट एग्जामिनेशन, व्हाट इज द नीट, उसके बारे में आज हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। नीट क्या है, ये अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन के बारे में, नीट एग्जामिनेशन के बारे में, नीट एंट्रेंस टेस्ट के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। नीट क्या है उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। नीट, दिस इज द एक्रोनिम ऑफ द नीट ऑफ द यूजी एंड दिस इज द पेन एंड पेपर बेस्ड टेस्ट एंड नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द नीट एग्जामिनेशन। नीट एग्जामिनेशन को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आपको पूरे इंडिया में कंडक्ट करती है। सीबीएसई पहले 2013 से 2018 तक सेंट्रल बोर्ड ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन ने आपको कंडक्ट किया था। अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 2019 से आपको कंडक्ट करती है। दूसरा, इसमें जो आपको टेस्ट लिए जाते हैं वो बायोलॉजी के होते हैं, केमिस्ट्री के होते हैं और फिजिक्स के होते हैं। बायोलॉजी का आपको दो पोर्शन है, बॉटनी और जूलॉजी का, वो टेस्ट होता है, केमिस्ट्री का टेस्ट होता है और फिजिक्स का टेस्ट होता है। नीट का पर्पस जो है वो ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेस इन द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेज में, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज में आपको एडमिशन लेने का है। ये आपको नीट का पर्पस है। और 2013 में आपको ये नीट का एग्जामिनेशन आपको स्टार्ट हुआ। 2014 और 15 में आपको AIPMT आपको कंडक्ट किया था, जो कि AIPMT ने आपको कंडक्ट किया था। इसमें ड्यूरेशन एक द एग्जामिनेशन 3 आवर्स 20 मिनट्स है। 3 घंटे 20 मिनट का आपको एग्जामिनेशन होता है और इसमें आपको स्कोर का रेंज है -180 से +720। जो बच्चे इसमें मार्क्स ला सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं -180 से +720 के आसपास में आपको स्कोर कर सकते हैं, यही आपको स्कोर का रेंज है। और नीट एग्जामिनेशन साल में आपको एक बार आपको होता है, वंस ए ईयर होता है, और इसकी जो कंट्री है आपको इंडिया है, इंडिया में आपको आपको कंडक्ट होता है। डिफरेंट लैंग्वेजेज में आपको नीट का एग्जामिनेशन आप दे सकते हैं। आसामीज आपको आसामीज में दे सकते हैं, बंगाली आपको बंगाली में दे सकते हैं, इंग्लिश में दे सकते हैं, गुजराती में दे सकते हैं, हिंदी में दे सकते हैं, कन्नड़ में दे सकते हैं, मराठी में दे सकते हैं, उड़िया में दे सकते हैं, तमिल में दे सकते हैं, तेलुगु में दे सकते हैं और उर्दू में दे सकते हैं। इन सारे लैंग्वेजेज में आपको नीट का एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर स्टूडेंट आपको दे सकता है। 2022 में जो टेस्ट जो बच्चों ने दिया था, इतने बच्चों ने आपको टेस्ट दिया था, 17,64,571 बच्चों ने 2022 में आपको नीट एग्जामिनेशन का टेस्ट बच्चों ने आपको दिया हुआ था। इतने बच्चों ने आपको नीट एग्जामिनेशन का आपको टेस्ट आपको दिया हुआ है। इसकी फीस जो है जनरल कैंडिडेट के लिए 1600 रुपये है और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 1500 है और एससी एसटी पीडब्ल्यू थर्ड जेंडर कैटेगरी के लिए 900 रुपये है।
ये इसकी नीट एग्जामिनेशन की आपको फीस है, और इसमें जो क्वालिफिकेशन रेट है 56.44% क्वालिफिकेशन रेट है जो आपको इसमें आपको बच्चे करते हैं। इसकी वेबसाइट neet.nta.nic.in, ये आपकी उसकी वेबसाइट है जहां पर आपको नीट के बारे में आपको जानकारी मिल सकती है। नीट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट और नीट यूजी फॉर्मरली, ये आपको AIPMT आपको कहलाता था, ऑल इंडिया प्री मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट फॉर द स्टूडेंट हु विश टू परस्यू अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेस MBBS, डेंटल BDS, आयुष BAMS, BUMS एंड BCMS एक्सेट्रा। इन सारे कोर्सेस में बच्चे आपको एडमिशन आपको ले सकते हैं, MBBS में ले सकते हैं, डेंटल में ले सकते हैं, आयुष में आपको ले सकते हैं। कोर्सेस इन द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया एंड दोज इंटेंडिंग परसुइंग प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन अवार्ड। ये एग्जामिनेशन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा आपको लिया जाता है, जो कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ द हेल्थ सर्विसेज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी के द्वारा आपको कंडक्ट होता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा आपको कंडक्ट होता है। नीट यूजी आपको AIPMT ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट को आपको रिप्लेस किया, और दूसरे जितने भी प्री मेडिकल एग्जामिनेशन स्टेट्स के द्वारा आपको वेरियस मेडिकल कॉलेजेस के द्वारा लिया जाता था, सभी को आपको रिप्लेस किया और पूरे इंडिया में एक नीट यूजी का एग्जामिनेशन आपको किया गया। ड्यू टू द प्रॉब्लम 2014 और 2015 में आपको नीट यूजी का आपको एग्जामिनेशन आपको नहीं हुआ था। नीट यूजी आपको सिंगल एंट्रेंस टेस्ट है फॉर एडमिशन टू द MBBS एंड BDS कॉलेजेस अक्रॉस इंडिया, ये आपको सिंगल एंट्रेंस टेस्ट है। MBBS एंड BDS कॉलेजेस अक्रॉस इंडिया नीट यूजी आपको वन ऑफ द लार्जेस्ट एग्जाम इन इंडिया है इन टर्म्स ऑफ द रजिस्टर्ड एप्लीकेंट। ये आपको लार्जेस्ट एग्जामिनेशन आपको इंडिया है जिसमें कि आपको सबसे ज्यादा एप्लीकेंट्स में आपको अपीयर होते हैं। आफ्टर द इनेक्टमेंट ऑफ द NMC एक्ट 2019 इन 2 सितंबर 2019, नीट यूजी बिकम द सोल एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू द मेडिकल कॉलेजेस इन इंडिया इंक्लूडिंग द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ द मेडिकल साइंस एम्स, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च जिपमेर, विच अंटिल देन कंडक्टेड सेपरेट एग्जामिनेशन। ये आपको पहले नीट एग्जामिनेशन के पहले एम्स का अलग एग्जाम होता था, जिपमेर का अलग एग्जाम होता था। अब जो है 2019 के सितंबर 2019 के बाद से आपको एक ही एग्जाम नीट का आपको होता है, उसी से सारे आपको होता था। नीट यूजी के इम्प्लीमेंटेशन के पहले स्टेट्स जो है अपने अपने एंट्रेंस टेस्ट आपको कंडक्ट करते थे फॉर द सम प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेजेस लाइक एम्स जिपमेर, IIMS BHU, KMC मणिपाल, मैंगलोर एंड CMC भलोर। ये सारे अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन पहले आपको कंडक्ट किया करते थे। नीट वाज इनिशियली प्रपोज टू टेक प्लेस फ्रॉम 2012 ऑनवर्ड, 2012 के बाद जो है आपको नीट को प्रपोज किया गया, कंडक्ट करने के लिए आपको प्रपोज किया गया। हाउएवर फॉर द सेवरल रीजंस CBSE एंड मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया डिफर्ड नीट बाय अ ईयर।
द टेस्ट वॉज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वॉल हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द May 5, 2013 अक्रॉस इंडिया फॉर स्टूडेंट सीकिंग एडमिशन फॉर द बोथ अंडर ग्रेजुएट एंड द पोस्ट ग्रेजुएट मेडिसिन। 2013 में आपको नीट की आपको शुरुआत हुई। ऑन 18 जुलाई 2013 ये आपको यहां पर आपको बताया गया, फॉलोइंग द अनाउंसमेंट फॉर द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया दैट यू इंट्रोड्यूस द नीट यूजी एग्जाम इन 2012 सेवरल स्टेट्स इंक्लूडिंग आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु स्ट्रॉन्गली अपोज द चेंज एंड स्टेटिंग दैट देयर वॉज ए ह्यूज वेरिएशन इन द सिलेबस प्रपोज बाय द एमसीवाई एंड देयर स्टेट सिलेबस। Even though NEET 2016 is conducted in English, Hindi, and it was announced that the student can write examination in Tamil, Telugu, Marathi, Bengali, Assamese, Gujarati language from the 2017 onward. 2017 के बाद जो है इसको different languages में आपको लिखने के लिए allow कर दिया गया। Kannada and Odia languages are added to the list so that the student can write the examination in the 9 Indian language and the English. 9 English Indian languages में आपको लिखने के लिए इसमें आपको ready किया गया। According to 2013 CBSE plan to conduct API PMT on the May 4, 2014. The final decision and NEET was planned taken after the verdict of the Supreme Court. ये आपको यहाँ पर दिया गया। NEET was declared illegal and unconstitutional by the Supreme Court of India in 2013. However, it was restored on the 11th April 2016 after a 5-judge constitution bench recalled the earlier verdict and allowed the central government and medical council of India to implement the common entrance test until the court decided FS on its validity. Phase 1 test 2016. The All India Pre-Medical Test, also known as the APMT, held on 1st May 2016 was considered as the first phase of the NEET. Students who registered for the phase 1 were given a chance to appear for the next phase of the NEET held on the 24 July 2016, but with a condition that candidate have to be give their NEET phase 1 score. The above dates are as per the order of the Supreme Court. What is the examination pattern and structure of the examination? We will be discussed here. Examination में total 180 questions आपको पूछे जाते हैं, 180 questions पूछे जाते हैं और 45 questions from physics, chemistry, botany and zoology. 45 questions सभी में आपको पूछे जाते हैं, टोटल 180 क्वेश्चंस आपको, यही आपको एग्जामिनेशन पैटर्न है। इसमें हर एक करेक्ट मार करेक्ट आंसर का 4 मार्क्स आपको होता है और इनकरेक्ट रेस्पॉन्स का -1 निगेटिव मार्किंग होता है। द एग्जाम ड्यूरेशन इज द 3 hours and 20 minutes जो कि आपको 200 मिनट का आपको एग्जाम ड्यूरेशन होता है। द एग्जाम इज ऑफ द 720 मार्क्स जो कि मैक्सिमम मार्क्स है। इन 2021 देयर वाज एन अब्रप्ट चेंज इन पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन पेपर। द पेपर कंसिस्ट ऑफ द 2 सेक्शन, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी इन ऑल 4 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जियोलॉजी।
सेक्शन ए कंसिस्टिंग ऑफ द 35 कंपल्सरी क्वेश्चंस एंड सेक्शन बी कंसिस्टिंग 15 क्वेश्चंस आउट ऑफ विच 10 क्वेश्चंस वेयर सपोज्ड टू बी फिल्ड। सेक्शन ए में आपको 35 क्वेश्चंस आपको रहेंगे जो कि कंपलसरी क्वेश्चंस हैं, और सेक्शन बी में 15 क्वेश्चंस में 10 क्वेश्चंस आपको आपको फिलअप करने पड़ेंगे। ये आपको पैटर्न है आपको नीट एग्जाम का। नीट एग्जाम का जो एग्जाम पैटर्न एंड स्ट्रक्चर है, यही आपको नीट एग्जाम का पैटर्न एंड स्ट्रक्चर है। दिस इज द एग्जाम पैटर्न एंड स्ट्रक्चर ऑफ द नीट। ये आपको नीट एग्जाम का पैटर्न एंड स्ट्रक्चर आपको यही है। तो अभी तक मैंने आपको जो आपको डिस्कस किया, नेशनल यूनिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन के बारे में आपको डिस्कस किया। ये आपको पेन एंड पेपर बेस्ड आपको टेस्ट है जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आपको लेती है। सीबीएसई 2013 से 2018 तक कंडक्ट की थी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 2019 से आपको कंडक्ट किया। इसमें मेनली बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये तीन सब्जेक्ट का आपको आपको टेस्ट आपको लिया जाता है। इसमें अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में गवर्नमेंट और द प्राइवेट मेडिकल मेडिकल कॉलेजेस में आपको एडमिशन लेने का आपको इसमें होता है। 2013 में आपको AIPMT आपको कंडक्ट किया था। इसमें ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम 3 आवर्स 20 मिनट्स आपको होता है, और स्कोर इसमें -180 से +720 आप इसमें स्कोर कर सकते हैं। कोर्सेस आपको 1 से ईयर आपको ऑफर किया जाता है। इसमें विभिन्न लैंग्वेज में आप एग्जाम आप दे सकते हैं, असमी में दे सकते हैं, बंगाली में दे सकते हैं, इंग्लिश में दे सकते हैं, गुजराती में दे सकते हैं, हिंदी में दे सकते हैं, कन्नड़ में दे सकते हैं, मराठी में दे सकते हैं, उड़िया, तमिल, तेलुगु और उर्दू में दे सकते हैं। ये आपको 2022 में 17,64,571 स्टूडेंट्स आपको आपको टेस्ट के लिए आपको एपियर हुए थे। 17,64,571, ये आपको बहुत बड़ा आपको एग्जाम है जिसमें आपको एपियर हुआ था। इसमें ₹1,600 जनरल कैंडिडेट की फीस है, और ₹1,500 ओबीसी की फीस है, और ₹900 SC ST और PWW की आपको फीस है। इसमें क्वालिफिकेशन रेट 56.44% आपको होता है ना। तो ये नीट से जो कि आपको पहले AIPMT आपको कहलाता था, इसमें आपको MBBS कोर्सेस में, डेंटल कोर्सेस में, आयुष कोर्सेस में, गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। द एग्जाम इज कंडक्टेड बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी के द्वारा सीट एलोकेशन आपको किया जाता है। नीट यूजी रिप्लेस द AIPMT, ये आपको आपको रिप्लेस किया 2019 से। आपको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, जिपमेर, सभी को रिप्लेस करके आपको नीट का एग्जामिनेशन आपको लिया गया। नीट के पहले एम्स का एग्जाम होता था, जिपमेर का होता था, IIMS BHU का होता था, KMC मणिपाल का होता था, मैंगलोर का होता था, CMC वेल्लोर का होता था। इन सभी को मिला करके आपको नीट का एग्जामिनेशन आपको कंडक्ट किया गया। नीट को 2012 में आपको बनाया गया, और मेडिसिन के लिए ये आपको
आपको एग्जाम आपको कंडक्ट किया गया। फॉलोइंग दिस अनाउंसमेंट फ्रॉम द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया इट इंट्रोड्यूस 2012 में नीट एग्जामिनेशन आपको कंडक्ट किया गया। कई राज्यों ने इसका अपोज किया था, लेकिन 2016 में कई भाषाओं में आपको नीट का एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए आपको बताया गया, है ना। फेज वन टेस्ट आपको बताया गया, एग्जाम पैटर्न एंड स्ट्रक्चर ये आपको इंपॉर्टेंट है नीट का एग्जाम को समझने के लिए। एग्जाम पैटर्न एंड स्ट्रक्चर आपको इंपॉर्टेंट है। इसमें 180 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे, 45 क्वेश्चन आपको फिजिक्स से, 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री से, 45 क्वेश्चन बॉटनी से, 45 क्वेश्चन जूलॉजी से, ये आपको आएंगे। और करेक्ट आंसर के लिए आपको 4 मार्क्स और इनकरेक्ट रेस्पॉन्स के लिए -1 निगेटिव मार्किंग आपको दिया जाएगा। और एग्जाम ड्यूरेशन 3 hours 20 minutes का आपको 200 मिनट का आपको होगा। द एग्जाम इज ऑफ द 720 मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स। इन 2021 देयर वाज ए अब्रप्ट चेंज ऑफ द क्वेश्चन पेपर। 2021 के बाद आपको क्वेश्चन पेपर को आपको चेंज किया गया और 2 सेक्शन में किया गया, सेक्शन ए में, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में 35 कंपल्सरी क्वेश्चंस आपको दिया गया, सेक्शन बी में 15 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चंस का आपको जवाब देने के लिए आपको आपको दिया गया। तो दिस इज द एग्जामिनेशन पैटर्न ऑफ द नीट। नीट का आपको एग्जामिनेशन पैटर्न आपको यही है, दिस इज द एग्जामिनेशन पैटर्न ऑफ द नीट।